तो गाइस आज मैं मेकअप करने का सोची हूँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लेना है। आप जरा थोड़ा कैमरामैन, आप थोड़ा कैमरा थोड़ा बगल में लाइए। हाँ, और ये देखिए, आपने अच्छे से जब चेहरा धो ले तो मैंने अभी कुछ भी मेकअप नहीं किया है। अब आपको सबसे पहले इसको क्या करना है, हाइड्रेट करना है। हाइड्रेट करने के लिए आप क्या लगाना चाहिए, मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। तो आप, मैंने एक सिंपल सा सभी घर में मिल जाता है निविया की क्रीम, बहुत महंगी क्रीम नहीं है, वही यूज़ किया है, ठीक है। और मैंने इसे अच्छे से लगा लिया है। और आप ये ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ आप जब अप्लाई कर रहे हो 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, क्योंकि इसको भी टाइम चाहिए स्किन को ऑब्जर्व करने के लिए। थोड़ा सा उसको भी नहेल लेने का, अच्छे से आपने लगा लिया, टैपिंग कर लिया। तो मैंने एक बहुत सी एम्ब्रॉलिस की एक अच्छी से प्राइमर खरीदा है, ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा। इसे सब जो आपके जो प्रोफेशनल होते हैं वो भी एम्ब्रॉलिस का, आप देख सक रहे हो। हाँ, इसको अच्छे से आपको प्राइमर के, ज़्यादा नहीं, जिसके आपके सारे जितने पोर्स होते हैं, बहुत लोगों के पोर्स होते हैं, वो पोर्स आपके हट जाते हैं, आपको ये सारा मिनिमाइज हो जाता है। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है पोर्स की, तो आपको ये पोर्स हट जाते हैं। तो थोड़े से ही आपको लगा लेना है, और उसे भी अच्छे से आपको स्किन में ऐसे डैबिंग पोर्सेस में, आप देख रहे हो मैं आराम आराम से कर रही हूँ। बैकग्राउंड को कृपया इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड आ रहा है। मैं एक फंक्शन में आई हुई हूँ और वहीं पे तैयार हो रही हूँ, तो आप सब पता है आपको व्यूवर्स कि फंक्शन में चारों तरफ बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत भीड़। आप देख सक रहे हैं इतने में ही मेरी चेहरे कितनी ग्लो, आप ग्लास फिनिश जो कोरियल लुक होता है मैं वो करने जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा ग्लास फिनिश दे रहा है। इवन मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत ही डार्क है, आप बिलीव नहीं करोगे।